ओ भाई भाई भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर अमेजिंग। हाय, वंस अगेन आफ्टर अराउंड 2 वीक्स वी आर बैक विद अनदर राइड विद डीआरसी। एंड भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नारगोल बीच उमरगाम में, विच कैसे बताऊँ, लाइक दमन के पास वाला ही कोई बीच है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी सुबह के 5:30 तो नहीं, 5:40 हो गए। वैसे अभी हम लोग तो लोकेशन पे पहुंच गए, 6 बजे का मीटअप था, 5:55 समथिंग हो रहे। देख लो कितनी बाइक्स है इधर, शोरूम भी बंद है तो इट इज लिटरली स्टूपिड कि अभी तक कोई आया है नहीं और ये कोई आया इधर। यस, ये हमारे साथ राइड करने वाले, आई डोंट नो हिम एक्चुअली। मैंने सोचा था कि अगर टाइम पे आ गए ना अंजला भाई तो मैं अंजला भाई के जेब में 10 रुपये रखूंगा, लेकिन अब मैं 10 रुपये नहीं रखने वाला। ओ एडमिन, एडमिन होके शर्म करो, डीले करते रहते हो तुम भाई। क्या डीले, देखो भाई पब्लिक वो कहाँ गए, आसिफ भाई कहाँ गए, यहाँ बताओ पब्लिक को, बताओ क्या दिखाऊँ मैं, बताओ 5 मिनट पहले दिखाऊँ, 5 मिनट का मैंने ब्लर कर दिया, इसको ब्लर कर दिया मैंने। कैसा आसिफ भाई, ये क्या लद्दाख जा रहे हो क्या, अकेला अकेला जा रहा हो ना, ठीक है भाई, मेरे को पूछा भी नहीं तुमने, अब खत्म भाई, रिश्ता खत्म। अब लद्दाख से बात नहीं भाई, अगर नहीं बुलाना लद्दाख तो ना बोल दो, अब नहीं आएगा भाई, अब हम रिश्ता इधर ही खत्म कर। भाई अभी सारे लोग आ गए, अभी सब लोग ऊपर गए, मुझे बैग लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मैं बैग रख के तो नहीं जाऊँगा अंदर, गोप्रो का सामान और सब कुछ रहता है ना भाई। तो बेसिकली अभी ऊपर ब्रीफिंग करने वाले, थोड़ी सबको समझाने वाले कि क्या क्या रूल्स है, कौन लीडर है। तो अभी तो बहुत कम राइडर्स है, अभी तो और भी आ सकते वैसे तो, होपफुली आएंगे और जल्दी आएंगे होपफुली। मेन लीडर ही नहीं है हमारे अंजला भाई एज यूजुअल, तो मैं तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँ अब उनके साथ। चलो ऊपर चलते, ब्रीफिंग देख लेते, उसके बाद नीचे मिलता हूँ। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, 7 बज गए इधर, अंजला भाई की वजह से डिले हुआ है आज हमारा। क्या मैं तो जल्दी आ गया, तुम जितनी जल्दी आए हो ना वो दिखा है मुझे, ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। ये सब लोग यहाँ रेडी हो गए काफी बाइक से और हम लोग सब साथ में जाने वाले हैं। अभी यहाँ से एक स्टॉप लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे, विच इज गोइंग टू बी रियली फन। ये हमारी बाइक यहाँ पे लोडेड है पूरी, पीछे बैग मैंने एज यूजुअल जंपर केबल्स के साथ लगा रखी है। निकलने वाले हैं, ये पूरा आगे सुजुकी का लाइनअप, पीछे और थोड़े लोग हैं, वो लोग भी आएंगे, विच इज भाई मजा आने वाली आज सही में कसम से। भाई ये निकल गई है हमारी लाइनअप, आगे हमारे मिस्टर बनी ऑन व्हील्स आँख वाली बैग लेके उनका अलग ही चल रहा है, तो एक्सीडेंट हुआ था इनका, बट स्टिल ये चला रहे। भाई फॉग है भाई, फॉग तो बहुत है हाईवे पे, लगेगा फॉग, मैं वाइजर बंद करूँगा तो फॉग हो जाएगा। फाइनली काफी टाइम बाद आई है राइड पे, शादियों में बिजी थे, खुद की तो हुई नहीं बट दूसरों की शादियों में बिजी थे, खुद की शादी में कब बिजी हो गए पता नहीं। अरे तुम इधर हो, हिला डाला ना, हिलाया तो वो करती थी, थोड़ा डार्क हो गया, कट कर देना। वी आर ऑन द हाईवे नाउ, अब मजा आएगी, अब थोड़ा फॉग देखो आजू बाजू, बस फॉग देखो, उस साइड सनराइज है, आप लोग को यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा ट्रीज पर बुशेस लगे। ओके सो बट फॉग देखो आजू बाजू भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट इज़ लाइक चारों तरफ कोरा ही कोरा है। भाई साहब टीम आगे जा रही है और वो देखो इतना सुपर लग रहा है, दिस इज सो कूल। पता है काफ़ी बिजी वीक निकला है मेरा, कॉलेज के काम से ना इतना लाइक स्ट्रेसफुल था ना, और ये देख के मतलब एकदम ऐसे थकान उतर गई है, मज़ा आ गया। लेकिन फन फैक्ट बोलो, मेरा कल प्रेजेंटेशन है और मैं यहाँ पे आकर राइड कर रहा हूँ, दिस इज एवरेज बाइकर डे। अब मेरे को थोड़ा माइंड काम करना ही था, शांत करना था, सो आई वॉज लाइक एक राइड मारते हैं, ये चीज़ें देखने हर बार तो मिलेगी नहीं, कभी कभी मिलती है, एंजॉय कर लेता हूँ, क्या बोलते हो। हम लोग पहुँच गए जय जलाराम खमन हाउस पे, काफ़ी पब्लिक है भाई इधर। भाई शाहनवाज भाई तुम कैसे हो भाई, काफ़ी बढ़िया। अबे ये गोप्रो के चोचले बहुत, अभी हम लोग यहाँ पे जय जलाराम खमन हाउस पे खाना है, ये पूरा अलग सा रूम बुक कर दिया हमारे लिए,
पूरा स्पेशल रूम फॉर एवरीवन। पूरा अलग सा रूम लेके पता नहीं आके कान में चिल्लाने लगता है पूरा टाइम, कान से फट रहे होते हैं। इसके GoPro ले लिया तो ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है। इधर हमारे एक्सीडेंट के मरीज सलीम भाई, बनी बनी ऑन व्हील्स, सब्सक्राइब कर, आई मीन फॉलो कर दो, सब्सक्राइब तो करना ही नहीं इनको। और फैंस हैं इनके, इनके फैंस समझ रहे कि मैं बनी हूँ और मेरे को आके पूछ रहे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। मतलब क्या क्या सिमिलैरिटी क्या है, इनकी शक्ल देखो, ये देखो डिफरेंस दिख रहा है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू थे, ये कट हो भाई। ये रहा तो ये रहा, ये भैंस का ये होता ना भाई, आप नहीं बोलो नहीं पहला भाई पहली होगा ताई वाले पति आओगे नहीं भाई। आधे लोग तो वापस इसलिए नहीं आते क्योंकि तू उनके साथ मिल जाता है भाई। इधर इधर अब भाई ने मैं कल मैसेज कर रहा था कि हमारा मैंने फोन कर जो क्या मैंने के 4:30 बजे फोन करा मेरे को आठ जल्दी क्या मैं अभी ब्रेकफास्ट तो सभी का हो गया, अभी हम लोग वापस जाएंगे। यहाँ पे ये तन्मय भाई ने अपनी बैग रख दी, तो इनका तुम्हारा बच्चा तुम पकड़ो, मतलब नहीं मेरे को पूरे ब्लॉग में बीपी करवा तुम लोग भाई। यहाँ पे ये जगह बहुत अच्छी है, बस इतना है कि जगह कम रहती है। संडे लाइक ऐसे ग्रुप में होगे तो थोड़ी जगह कम मिलेगी, बाकी तो जगह बहुत मस्त है, खाना भी अच्छा है। यहाँ का खाना मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। दिस इज द फीलिंग, दिस इज द गुड फीलिंग वी गेट, द किड्स एंजॉयिंग द बाइक। पैर नीचे रखो, पैर तो पहुंच, अभी पहुंचे, पैर पहले तो पहुंच ही नहीं रहे थे। वो साइड से जरा ऐसे गाड़ी में का पता चल रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, 5 फुट के आदमी। वी वर जस्ट टेकिंग अ राइट फॉर द नारगोल बीच, और आप लोग ये देखो क्या है ये, क्या ट्रैफिक है, मतलब एक रेलवे की पटरी बट ये देखो ट्रक की लाइन खाली। भाई साहब क्या सुकून है यार, एकदम मस्त लग रहा है भाई साहब, पूरा आई लव इट टीटी है भाई। चलो करिए तैयार सुधी 5015। ओ भाई भाई भाई, दिस इज सो ऑकवर्ड, दैट इज सो वियर्ड, दिस इज सो मच डिफरेंट देन एन R15। I don't even know the camera angle right now because आप लोगों को कुछ नहीं दिखने वाला, मैं सही बता रहा हूँ, because this is a cafe racer. Wow, the pickup bro. Damn dude, Husqvarna. In case you don't know, Husqvarna is a brand that like is collaborated with KTM. I'm not sure, but it's like quote KTM has it. KTM के साथ ही चलती है brand. Wow bro, कैमरा एंगल के लिए सॉरी, माई कैमरा एंगल इज सेट फॉर R15 एंड नॉट दिस, यू माइट फील अ लिटिल डिफरेंट, बट दिस इज सो कूल मैन। वाओ लुक एट दिस, इट्स अ स्मॉल लेक ओवर हियर, बट भाई Husqvarna इज ब्यूटीफुल भाई, क्या लगी है ना भाई ये बाइक मुझे भाई साहब, क्या ही है, मजा आ रहा है, छोटी लगती है। इसका टंका देखो, इसका देखो क्या हो गया, टर्न लेना पड़ेगा यहाँ पे, गलत जगह आ गया। आई डोंट इवन माइंड गोइंग बैक राइट नाउ बिकॉज क्या मजा आ रही है इसको चलाने में यार, 9 लीटर की टंकी है इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाट द फ्यूल इज, मेरे का एक तो मीटर का और थोड़ा सा, इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट एज यूजुअल यू नो एज एन R15 और सुजुकी। आई गेस यही रोड होगा बिकॉज ये थोड़ा मैंने लाइक गूगल पे इमेजेस देखा था, इट वॉज बिहाइंड द फॉरेस्ट, वो रहा उधर ही है एकदम अलग से। वाओ भाई एकदम रिवीलिंग, आई न्यू दिस वुड बी गुड, आई न्यू इट बिकॉज मैंने इमेजेस में देखा था, इट वॉज सो कूल। रोड्स खराब है बाकी भाई, फॉरेस्ट के बीच में से, आई मीन व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट राइट नाउ। थैंक यू, तुम्हारा नाम अय्यूब, ओके ताहिर भाई। ये एरिया इतना मस्त है, यहाँ पे फॉरेस्ट पूरा, फोटो शूट करने में मजा आने वाला है मेरे को, और ये पूरा इस साइड बीच ऐसा इतना मस्त लग रहा है ये। दिस सो पीसफुल, दुम्मस से तो सौंप ना बेटर ही। तो भाई वी आर फाइनली हियर भाई, इसका लोकेशन तुम खाली नज़ारा देखो, इधर
दैट इज सो ब्यूटीफुल। एटीवी है, मेरा मन तो कर रहा चलाने का, शायद चला लूँ थोड़ा आराम करने के बाद। थोड़ा अभी हेलमेट निकाला है ना, थोड़ा ऐसा सर थोड़ा हिल रहा है। ये हमारे नए राइडर आया, कैसा रहा एक्सपीरियंस राइडिंग? बहुत परफेक्ट, एकदम मतलब बेस्ट चॉइस। कैसा डर था, कैसा था? नर्वस था पहले तो, बहुत ज्यादा, एंड बाद में फिर जब ब्रेक लिया तब उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बना, सपोर्टिव है सारे। ऐसा नहीं कि मतलब डांट दो या फिर नहीं नहीं ये मेरी बात नहीं मान रहा तो इसका ध्यान ना रखो। डांटेंगे बट अगर हाँ, मतलब, तुम गलत हाँ, करोगे तो हाँ, जैसा मतलब अभी वो टाइम बोला, ये माननी है इसको, इसको छोड़ दो, इसको हाँ, इसको भूल जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, डांट डांट के वापस करेंगे, मैं कर तो ऐसे हाँ, और तो वो चीज अच्छी है। थिंग इज कि हम कहीं भी जाओ, मतलब टर्न आ रहा है कहीं भी आ रहा है, कोई जन रुक जाओ ताकि कोई पीछे रह गया तो उसको पता चले। एग्जैक्टली, कुछ लोग रुकते नहीं है फिर बाद में फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा के, सीधा जाना है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, और जाके पहुंच जाते हैं नारकोल बीच की जगह, दुम्मस पहुंच जाएगा वापस। मैं ना एटीवी का भाव पूछ के आऊंगा अगर बजट में हुआ तो। भाई ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, रिकॉर्ड हुआ है उसे। बाकी नज़ारा मस्त है इधर का यार, दुम्मस से तो बहुत बेटर है। और मैं पता नहीं राइडिंग कुछ पहन के कुछ सैंड में चलता हूँ, बट ठीक है। एटीवी केट ला नहीं, 100 रुपया राउंड एटे राउंड केट लू तो चलावा ना, तमने के मन है एकदम धीरे चलती है ये, बट बिकॉज हम लोग तो नॉर्मल रोड्स पे चलाते हैं, ऑफ रोड चलाते हैं, दिस इज बीच सैंड, वो भी गीली सैंड। भाई साहब द वेट ऑन दिस, और ग्रिप इतनी मस्त है इसकी सैंड के ऊपर, मजा आ गई। टेक्स ऑटोमेटिक टर्न फॉर सम रीजन, वो मुझे नहीं पता, आई नेवर बीन ऑन एन एटीवी, सो प्लीज डोंट जज मी। बनी भाई का प्रोटेक्शन लेवल देखो, चलते चलते बीच पे भी हेलमेट पहना हुआ है, नजारे देखो बस इधर पूरा एंड तक, वहां तो कुछ दिख भी नहीं रहा एंड में, तब मस्त लग रहा है। तो करंटली हम लोग लाइक एक फॉरेस्ट एरिया में आए, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज मेरा माउंट एक्चुअली निकला हुआ था, सब जलबाजी में थे। ये देखो खाली एरिया, यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मेरी बाइक पड़ी है यहाँ पे ऊपर, सब लोग एक्चुअली फोटोज खिंचा रहे, बट थोड़ा रिस्की है बिकॉज ये थोड़ा सैंडी रीजन है, तो हो क्या रहा है कि बाइक धस जा रही है। तो मेरा आपको बताऊँ, आपको मैं अभी यहीं पे बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है अंदर ऑलरेडी घुस गया है, भले ये पेड़ के लाइक डाली से मैंने जितना उतना क्लोज रखा है, तो लाइक वो इशू आ रही है कि अंदर धस जा रही है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये पता नहीं क्यों धस रही है, बट इट्स ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ा सा अकेले स्पेंड करने का भी मजा अलग है, पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो लिटरली पूरा फॉरेस्ट है, सामने पूरा बीच है। आप लोग को बीच भी बताता हूँ मैं, एकदम मस्त सा बीच है, मैं चाबी ले लूँ खाली बाइक से, आप लोग को मैं यहाँ से खाली व्यू दिखाता हूँ बीच का, पीछे पूरा फॉरेस्ट देखे आप लोग को मैंने बताया, ये देखो पूरा लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा सामने। मेरे जूतों की हालत आप देखो, पूरे सैंड में चल के। नारगोल बीच जगह का नाम है, अगर आप लोग को आना हो अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ, थोड़ा पर्सनल हो गया। एनीवेज अभी ये लोग फोटो वोटो खिंचा ले फिर हम लोग निकलेंगे। मैंने एटीवी चलाई थी, बहुत मजा आया सही में, इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड क्योंकि एटीवी मैंने फर्स्ट टाइम चलाई, सूरत में दुम्मस में है बट स्टिल मैंने फर्स्ट टाइम चलाई, तो इट वॉज बिट ऑकवर्ड ऑन दिस। देखो वो ऑलरेडी उधर वापस उनकी बाइक धस गई। नो, स्पेंडिंग टाइम अलोन विद योर सेल्फ इज लाइक वन मैंडेटरी थिंग यू शुड बी डूइंग इन लाइफ, बिकॉज कभी कभी ना ऐसे लाइक ग्रुप के साथ आना इज ऑल गुड, मैं ऐसा नहीं बोला ग्रुप के साथ मत आओ, ग्रुप इज ऑलवेज फन, बट ऐसे टाइम पे जब ऐसी जगह हो ना, तब थोड़ा ऐसा आराम से बैठो अकेले, यू नो फाइंड योरसेल्फ, दैट्स मोर ब्यूटीफुल देन एवर सही में, एंड यू कैन जस्ट सिट चिल डू वट एवर यू वॉन्ट। आई वुड से कि भाई ऐसी जगह होती है ना लाइक थोड़ी कम पब्लिक वाली, ओके, एंड ऐसे सीनरीज वाले, सो यू फील मच मच यू नो हैप्पियर, थोड़ा मुझे फील हो रहा है, एंड इट्स लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना ऑल वीक का, वैसे तुरंत उतर जाता है, इट्स गॉन इन एन इंस्टेंट। भी कुछ अराउंड 215 के आसपास हो जाएगी हम लोग को निकलते निकलते, विच विल बी फन, रोड्स काफ़ी ख़राब है बट ये भी अच्छा है एट दी एंड। अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मैं भी थोड़ा आराम से चिल करूँ, एंड देन विल वी गो बैक होम जब इनका फोटोशूट खत्म हो जाए। R15 थोड़ी स्लिप हो रही थी यहाँ पे सैंड के अंदर, वी स्टॉर्म जितनी केपेबल है ही नहीं वो, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। तो भाई लोग, वी आर बैक इन सूरत, बैक इन आवर सिटी। भाई लेकिन मज़ा आ गया राइड पे, कसम से क्या मस्ती करी है, मज़ा आ गया, लेकिन सही में बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। रोड्स थोड़े ख़राब थे, बाकी जगह बहुत अच्छी थी, जगह एट दी एंड वर्थ थी यार। आई थैंक यू DRC, ठीक है, आप लोग ने ये राइड ऑर्गेनाइज करी। धर्मराज सुजुकी को बहुत बहुत थैंक यू कि मैं बहुत खुश हुआ, बिकॉज
जो जगह थी ना वो इतनी मस्त थी, द फॉरेस्ट द बीच एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। अभी हम लोग को अलविदा करना पड़ेगा। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। अब मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, अभी के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड बट राइड सेफ, गुड बाय।